हमारे जोधपुर का सौभाग्य है कि डॉक्टर गोवर्धन पारेसर जी ने जोधपुर में असाध्य रोगों का इलाज करके कई ऐसे लोगों का इलाज किया, चाहे जिसकी कमर दुख रही हो, घुटनों में दर्द हो, बदन में पूरा दर्द हो, जिसके कारण लोग परेशान होते थे, उन्होंने अपने अस्पताल में उनको साथ लाकर उनका जिस तरह से इलाज किया था, असाध्य रोगों से दूर हुए। इसका प्रचार हिंदुस्तान में नहीं सारे विश्व में हुआ और बड़े बड़े लोग भी जो दुनिया भर में घूमकर इलाज करवाने के बाद यदि गोवर्धन जी पारेसर के पास इस अस्पताल में आए तो उनका इलाज यहाँ हुआ, उसके कारण उनको उस इलाज रोग से मुक्ति मिली, जिसके कारण लोग आज भी अधिक से अधिक संख्या में उनसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं। आज मैं डॉक्टर गोवर्धन जी पारेसर को अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने कई ऐसे अनेकों विशेष व्यक्तियों का भी इलाज उन्होंने किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जी जोशी और हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई ऐसे नेता हैं जिनका इलाज उन्होंने अपने इस अस्पताल में किया, और इसके कारण गरीब से गरीब व्यक्ति, मुझे याद है इनके पिताजी डॉक्टर सावंतपाल जी पारेसर जो अपने देसी तरीके से इलाज करते थे, उस देसी तरीके उन्होंने नवीनीकरण करके लोगों का इलाज कराया और ऑर्थोपेडिक के साथ साथ लोगों का विश्वास, हमारी पुरानी जो पद्धति है उस पर आज विश्वास हुआ है, जिस कारण लोग यहाँ आके इलाज करवाते हैं। मैं मेरी ओर से यहाँ इलाज करने वाले सभी डॉक्टरों को, चिकित्सकों को, उनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि वो अधिक से अधिक लोगों की नर को नारायण मानकर सेवा का जो संकल्प है वो पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इनके साथ इनके ईश्वर ने जो इनके हाथों में वरदान दिया है, उस वरदान के कारण आने वाला असाध्य रोगी ठीक होकर यहाँ से जाता है।